हमको बोलने का मौका नहीं दिए, गेट खोल के गाड़ी घींच के निकाल के मारना डंटा से, चार डंटा गिरता था एक बार में सर हमारे शरीर पर। वो ही बोला था कि साला हम माइनिंग अफसर है या तुम हमारा पीछा कर रहे हैं। हम बोले हमको कुछ जानकारी नहीं है, हम तो गाड़ी आप घुराए, हम गाड़ी रोक दिए, इतने पर मारना शुरू कर दिया हमको। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड से खनन विभाग के द्वारा एक किसान की पिटाई का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित किसान अमरनाथ यादव का कहना है कि परिजनों के साथ अपने बेटी के ससुराल साहिबगंज स्थित महादेवपुर गंज जा रहे थे, तभी खनन पदाधिकारी के वाहन ने उनकी चारपहिया वाहन को ओवरटेक किया। इस दौरान काफी कहा सुनी भी हुई। वहीं पीड़ित अमरनाथ यादव ने खनन विभाग के पदाधिकारी जयशंकर झा पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जबकि उन्होंने कहा कि आनंद पदाधिकारी के अंगरक्षकों ने उन पर लाठी डंडे से प्रहार कर दिया। पिटाई का कारण पूछे जाने पर खनन पदाधिकारी ने उन्हें अपने पद का रौब दिखाते हुए चले जाने को कहा। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और अमरनाथ की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिले के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि किसान अमरनाथ यादव को काफी गंभीर चोटें आई हैं। सर पर डंडा लगने के कारण जख्म काफी गहरा है और उसके सर से काफी खून भी बह चुका है। पीड़ित नाम पुलिस कप्तान आनंद कुमार से मामले पर में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें बस न्याय चाहिए, अगर इसी प्रकार अफसर साहब चरम पर रही तो आम लोगों की कौन सुनेगा। वहीं अखिल भारतीय यादव महासभा पीड़ित अमरनाथ का समर्थन किया है, जिससे जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने खुले तौर पर कहा कि मीनिंग पदाधिकारी द्वारा एक गरीब किसान के साथ दुर्व्यवहार सरासर निंदनीय है, जिससे वे लोग पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस संदर्भ में एसपी से बातचीत की है। एसपी ने उन्हें इस मामले में जांच को लेकर स्पष्ट किया है, जबकि 24 घंटे से ज़्यादा बीतने को है, लेकिन फिर पति थाने में अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मामले में लीपापोती कर रहे हैं। कुल से जा रहे थे महादेवगंज, साहेबगंज जिला महादेवगंज में, मेरा लड़की नानी के पास थी अपना, वहाँ पर जा रहे थे अपने लड़की को लाने के लिए। साधु मठिया के पास एकाएक एगो स्कॉर्पियो आगे से आके लगा के और उतार के हमको मारना शुरू कर दिए। बोले कि माइनिंग अफसर है साला, हमारे पीछे कर रहे हैं तुम। हम बोले सर हम तो पहचानबो नहीं करते, हम जा रहे हैं महादेवगंज अपने लड़की को लाने के लिए, से हमको काहे मार रहे। एक बाइक दो सिपाही था उसमें राइफलधारी या दो सिविल में थे। अब मारना स्टार्ट किए, मार के हमारा कपार फोड़ दिए, यहाँ बाएं पर चोट लगा, पूरा मार के कपार फाड़ दिए। उसके कारण नहीं पूछा कि क्यों इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ, पिटाई? हमको बोलने का मौका नहीं दिए, गेट खोल के गाड़ी घींच के निकाल के मारना डंटा से, चार डंटा गिरता था एक बार में सर हमारे शरीर पर। जब माइनिंग अफसर है ये कौन बोला था गाड़ी? वो ही बोला था कि साला हम माइनिंग अफसर है या तुम हमारा पीछा कर रहे हैं। हम बोले हमको कुछ जानकारी नहीं है, हम तो गाड़ी आप घुराए, हम गाड़ी रोक दिए, इतने पर मारना शुरू कर दिया हमको। कितने की संख्या में थे? चार, एगो ड्राइवर था, दो आदमी सिविल में थे, दो आदमी दो सिपाही था। हाँ, दो वर्दी में सिपाही था, राइफलधारी। कितने बजे की घटना है? ये करीब 3:30 बजे की घटना है, 3-4 के अंदर में, कल शुक्रवार जी। उसके बाद वहाँ से भागा थाना, भाग के घुस गया थाना। आपको क्या लग रहा है कि सच में माइनिंग अफसर थे जो उन्होंने अपने पद का दबदबा दिखाते हुए जी से पिटाई की है? जी, अब आप प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि हमको अन्याय मिले, न्याय मिले, कार्रवाई हो। हमारे ऊपर खामखा लाठी से मार के मेरा कपार फाड़ दिए। क्या नाम है आपका? अमरनाथ यादव मेरा नाम हुआ। क्या करते हैं? हम इसी तरह किसान वर्ग का आदमी है। घर कहाँ हुआ आपका? घर लकड़ा कोल हुआ, पीरपैती थाना। पीरपैती थाना।